नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। समय दोस्तों सुबह के 7:56 हो रहे हैं, 30 सेकेंड, और तारीख है 7 सितंबर 2021 मंगलवार। देखिए कुछ स्टॉक्स लेकर आया हूं जो आज के दिन में आपको शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बना के दे सकता है, जिसकी क्षमता दिखाई दे रही है चार्ट पर। तो जल्दी से मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं ताकि मार्केट ओपन होने में 1 से 1.5 घंटा बाकी है, आप उस पर अपनी स्ट्रेटेजी बना सकें। क्रोमटन ग्रिप्स, ये है क्रोम्ट ग्रिप्स कॉर्न इलेक्ट्रिक, ये नाम क्या नाम है, क्रोम्ट ग्री कॉर्न इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक है। ये स्टॉक्स का नाम आप इसके अंदर भी देख रहे हैं, बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं। अभी देखिए इसके जो प्राइस हैं, मैं जल्दी से लेवल आपको बता देता हूँ कि ये स्विंग ट्रेडिंग कॉल है, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा पैटर्न बना के बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है, ये इस तरह से जा रहा है। जल्दी जल्दी मैं समझा दूँ ताकि टाइम न लगे। और बाकी जो है टेक्निकल, ये काफ़ी अच्छा बुलिश दिख रहा है, वॉल्यूम भी इसने जनरेट किया है ठीक ठाक, तो आप क्रोम ग्रिप कॉर्न इलेक्ट्रिक को खरीद सकते हैं। हालांकि क्रोमटन ग्रिप्स होते हैं लेकिन वो दूसरा है और ये दूसरा है, क्रोम्ट ग्री कॉर्न इलेक्ट्रिक। बाय करेंगे इसको हम लोग 500 रुपये के ऊपर, देखिए 500 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाय कर लेंगे। स्विंग ट्रेडिंग कॉल है, स्टॉप लॉस 485.15 पॉइंट का लगाएंगे, और टारगेट हम इस कंडीशन में 515 देंगे, 530 देंगे, और तीसरा टारगेट आप 545 तक का लेके चल सकते हैं, 545 तक का, 515, 530, 545 टारगेट। बाय एव 500, स्टॉप लॉस 485 का रहेगा क्रोम्ट ग्रिप कॉर्न इलेक्ट्रिक में। आगे बढ़ूंगा, दूसरा स्टॉक मैं जल्दी से आपको दे दूँ। मैं थोड़े से स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट कर रखे थे रात में ही, पर वो वीडियो नहीं बना पाया कुछ कारण से। आगे बढ़ता हूँ, कमिंस इंडिया स्टॉक्स का नाम क्या है, अगला स्टॉक्स वो है कमिंस इंडिया। ये देखिए फिर से आ गया कमिंस इंडिया का चार्ट। कमिंस इंडिया काफ़ी हाई जोन पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से जो सिग्नल है वो है 1050 के ऊपर कमिंस इंडिया को बाय करने की पूरी कोशिश होगी। बाय करेंगे 1050 के ऊपर और स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे 1025 का, 20 का भी लगा सकते हैं लेकिन 25 भी ठीक है। टारगेट इस कंडीशन में 1075 और 1100 का रहेगा कमिंस इंडिया में। काफ़ी अच्छा लेवल को इसने ब्रेक किया हुआ है कमिंस इंडिया, और ऊपर की तरफ में होल्ड भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरा स्टॉक्स हो गया। अब बढ़े तीसरा स्टॉक्स की तरफ और उसका नाम है गुजरात गैस। क्या नाम है, गुजरात गैस। देखिए ये गुजरात गैस के जो चार्ट हैं काफ़ी बेहतरीन चार्ट है, और स्टॉक्स इसी जगह पर अपने आप को ब्रेक करके यहाँ पर अपने आप को होल्ड किया था कई दिनों तक, देख रहे हैं यहाँ पे इसके पास में काफ़ी दिनों से होल्ड किया था, इसी प्राइस को पास में आके ये होल्ड कर गया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन है कि यहाँ से अगर ये बाउंस करना है तो इस तरह की कैंडल बननी चाहिए, अगर नहीं बनता है तो नीचे की साइड में गिर जाएगा तो छोड़ देंगे। तो हमें खरीदना है कब, हम खरीदेंगे 700 के ऊपर। कब खरीदेंगे, बाय एबव 700, 700 के ऊपर खरीदेंगे, और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे, स्टॉप इसी पॉइंट का लगाएंगे 685 का, और टारगेट गुजरात गैस में कितना होगा, 715 का, 730, 730 का और 745 का। देखिएगा मैं स्विंग ट्रेडिंग कॉल शॉर्ट टर्म कॉल बीच बीच में भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, जैसे कि अभी भी दे रहा हूँ, रात में भी बना के देता हूँ, और मंथ वाला पूरा मंथ वाला तो दे ही देता हूँ, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जिस पर बनाना ज़रूरी रहता है वीडियो, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये तीसरा स्टॉक्स हो गया गुजरात गैस का, ठीक है, इसको नज़र पर रखिए। और बढ़ते हैं आगे और चौथा स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। चौथा स्टॉक्स का नाम है हैवल्स। क्या नाम है, हैवल्स। देखिए हैवल्स में सिचुएशन क्या है कि हैवल्स काफ़ी हाईर जोन पर ट्रेड कर रहा है, कहाँ है, बहुत ही अच्छे तरीके से हाईर जोन पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से कंडीशन क्या है हैवल्स में कि ये जो है कंफ्यूजिंग वाली कैंडल बना दिया है, क्या बना दिया, कंफ्यूज हो गया। अगर हैवल्स इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर गया, ठीक है, तब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा इसका, तब कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि अगर ये 1440 के ऊपर निकलता है तब आप स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का लगा लीजिए, 1420 का, 1420 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और टारगेट इस कंडीशन में 1460 और 1480 तक का लेके चल सकते हैं हैवल्स में। लेकिन इन केस देखिए ध्यान से समझिए, इन केस अगर हैवल्स नीचे की साइड में निकलता है और 1420 को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है तब ये इंट्राडे कॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंट्राडे कॉल बन जाएगा,
ध्यान से समझ रहे, तब ये इंट्राडे कॉल बन जाएगा। अगर ये 1420 के नीचे निकलता है तो तब आप इसको सेल कर लीजिए और इंट्राडे में टारगेट 1400 के आसपास लेके चल सकते हैं। और इधर कौन सा है, इधर स्विंग है, इधर स्विंग कॉल है, ठीक है, या शॉर्ट टर्म कॉल जो आप कहते हैं, और इधर इंट्राडे कॉल किस में, हैवल्स में। हैवल्स के अलावा आगे बढ़े और M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी देखिए एक अच्छा जगह पे खड़ा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। बाउंस करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है महिंद्रा। आपको इस तरह से चार्ट नज़र आ रहा होगा और चार्ट में कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी जैसे ही मैं ड्रॉ करूँगा आपको दिख जाएगा। ये है हमारा महिंद्रा का चार्ट, देखिए ये इस लेवल से 795 से 800 को ये ब्रेक नहीं कर पाता, ये तो तय है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप इसको नीचे से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हैं, तो पता क्या चलता है कि अभी इसके पास थोड़ा सा लेवल और नीचे के आने के साइड में बचे हुए, दो कंडीशन हो गए। अब तीसरा कंडीशन देखिए कि जैसे यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको पता क्या चलता है कि इसी जगह से महिंद्रा जो है इसी जगह से ब्रेक, ये पहले इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, देखते जाइए इसको यहाँ से ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ ब्रेक करके ऊपर गया और फिर नीचे आता है इस जगह पर और फिर ऊपर जाके इसी जगह पर आ गया। यानी कि ये जो छोटा वाला ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन बड़ा वाला ट्रेंड लाइन के जो अंदर छोटा वाला ट्रेंड लाइन है, इसके सपोर्ट जोन पर है। देखिए अगर ये गिरता है तब तो यहाँ पर से सही जगह से बाउंस कर जाएगा, 744 से 45 के आसपास एक कंडीशन, यहाँ पे 730 के आसपास से 30 से 35। लेकिन अगर यहीं से बाउंस कर गया तो फिर यहाँ से पोजीशन बन सकता है। तो हम लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा को स्विंग ट्रेडिंग कॉल में भी ले सकते हैं जब ये 760 के ऊपर निकल जाएगा तब, और स्टॉप लॉस हम लोग 740 का लगाएंगे और टारगेट इस कंडीशन में हम लोग 780 और 800 तक का लेके चल सकते हैं। M&M में नज़र रखेंगे आप, M&M पर भी। M&M के अलावा अगर बात करें तो इसके बाद कुछ IT कंपनियों पे आप नज़र रख सकते हैं, जैसे इन्फोसिस, ठीक है, M&M के बाद किस स्टॉक्स पे, तो इन्फोसिस पे नज़र रखिए। देखिए इन्फोसिस जिस तरह से बवाल करके ऊपर जा रहा है, देखिए यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, तो अगर इन्फोसिस अपसाइड में अगर ब्रेक कर दे तो मज़ा आ जाएगा। तो हम 1735 के ऊपर इन्फोसिस को खरीदेंगे, बाय अबव 1735 और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1700 का, 1700 रुपये का स्टॉप लॉस। टारगेट कितने का होगा, टारगेट 1770 से लेके 1800 रुपये तक का होगा इन्फोसिस में, 1800 तक का टारगेट लेके चलेंगे इन्फोसिस। इन्फोसिस के अलावा जल्दी से और बढ़ूँ तो विप्रो ने तो कमाल कर दिया, विप्रो को हम लोग अभी नहीं पकड़ेंगे, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं टेक महिंद्रा को पकड़ के चल सकते हैं। किसको चल सकते हैं, टेक महिंद्रा को। देखिए टेक महिंद्रा बिल्कुल अपने हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है, और एक बार अगर टेक महिंद्रा 1470 को अगर ये ब्रेक कर गया, बाय अबव कितना, 1470, 1470 के ऊपर अगर निकलता है तब स्टॉप लॉस आप एक बार लगाना होगा 1400 आपको यहाँ पे, हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, 1440 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पे, और टारगेट इस कंडीशन में आप 1500 का रखिए और 1500 का, और 1530 रुपये का, 1530 का लेके चल सकते हैं टेक महिंद्रा में। तो ये कुछ स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म कॉल दोस्तों मैंने 7 सितंबर 2021 के लिए दिया। हो सकता है आज लेवल ना आए, 8 तारीख को लेवल आए, कल लेवल आए, कल पोजिशन बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जल्दी से ये 5-6 स्टॉक्स मैंने आपको बना के दे दिए, सुबह का डोज, सुबह का खुराक, ठीक है। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आए कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, और मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।